नमस्कार, मैं प्रसन्नजीत इंटेंसिव एक्वाकल्चर प्राइवेट लिमिटेड यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में सबको स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है, अगर हम आपको पार्ट बेसिक में मछली सेल करना है तो आपको एक स्टॉक पॉइंट होना बहुत जरूरी है। आपने बायफ्लग में कल्चर किया, सेमी बायफ्लग में कल्चर किया, जहाँ पर भी कल्चर किया, पॉइंट में कल्चर किया, तो आपको क्या करना है, एक जगह में स्टॉक पॉइंट बनाना है जहाँ से आपको पकड़ने में फिश पकड़ने में बहुत आसान हो जाए। तो इसमें कुछ सिस्टम है। तो पहला बात है, अगर आपका फार्म मान लीजिए 200 किलोमीटर दूर में है और आप मार्केट का नियरेस्ट कुछ टैंक बनाया, तो जिस दिन मछली आएगा तो उसी दिन पहले आपको प्रोबोक्यो उसी टैंक में डालना है। डोज कितना देना है, जो हेल्पलाइन नंबर है उसी नंबर से आप संपर्क करके पूछ लीजिएगा डोज आपको कितना देना है। अगर आपका नॉर्मल टैंक है तो नॉर्मल प्रोबो की ओर, अगर आपका सेमी बायफ्लग टैंक है तो पॉइंट प्रोबो की ओर, ठीक है। उसका बाद आपने धीरे धीरे आपका जितना मछली है उसमें डाल दीजिए। तो ये काम बहुत धीरे करना है, हड़बड़ी नहीं करना है। और उसका बाद आपको डालना है प्रोबो क्या, मछली छोड़ने का बाद आपको प्रोबो क्या डालना है। यहाँ पे भी सेम कन्फ्यूज़न है, अगर आपका नॉर्मल टैंक है मतलब नीचे मिट्टी नहीं है तो उसका डोज अलग होगा, उसमें नॉर्मल प्रोबो केयर यूज़ होगा। अगर आपका सेमी बायफ्लॉक है और नीचे मिट्टी है तो इसमें पॉन्ड प्रोबो केयर यूज़ होगा, उसका भी डोज अलग होगा। तो डोज कितना है आप हेल्पलाइन नंबर से बात करके पूछ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा। देखिए, स्टोर टैंक क्यों ज़रूरी है, मान लीजिए आपका एक बड़ा साइज का तालाब है, पार्ट डे नेटिंग करके पूरा मछली सेल करना तो मुश्किल है, और मार्केट से बहुत दूर में आपका फार्म है 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर, तो मार्केट नियरेस्ट एक स्टॉक पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आप जिसका बड़ा बड़ा फार्मिंग है तो आपने मार्केट का नियरेस्ट एक छोटा सा टैंक रखी है जहाँ पर आपका स्टॉक होगा मछली, और वहाँ से पार्ट डे के हिसाब से मछली उठा के सेल कीजिए। मैं हर बार बताता रहता हूँ, डायरेक्ट तालाब से मछली उठा के मत सेल कीजिए, इसमें बहुत प्रॉब्लम होगा। क्योंकि मछली जब बड़ा टैंक में रहता है, बड़ा पॉइंट में रहता है, जब छोटा जगह में आ जाता है तो बहुत मछली इधर उधर भागता रहता है और उसमें चोट आ जाता है। इसलिए पहला काम है आपका छोटा जगह में शिफ्ट करना। एक काम अपने हापा में भी रख के कर सकते हो, तो हापा में भी आपका प्रोबो केयर प्रोबो क्योर डालने से मछली का कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। जहाँ पे आपको मान लीजिए चोट पहुँचता है मछली का, तो वहाँ पे प्रोबो क्योर डालने से वो घा नहीं बनेगा, और उसका साथ साथ प्रोबो क्योर अगर आपने डाल दिया तो मछली का इम्यूनिटी पावर बूस्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, और मछली का पेट में जो भी खाना रहता है वो निकल जाता है, इसलिए आपका मछली बहुत अच्छे से ट्रांसपोर्ट होता है। हाई वैल्यू अगर फिश आपका पास है तो एक दिन में एक टन आप मार्केट में मत भेजिए, वही मछली आप उसको 5 दिन में भेजिए, तो इसमें क्या होगा, आपका मार्केट में प्राइस भी बहुत अच्छा मिलेगा और आपका मार्केट में ज़्यादा मछली ना जाने के कारण बहुत अच्छे से सेल भी हो जाएगा, आपको रिटर्न बैक मछली लेके आने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। और जिसका जिसका कोई मछली है, बहुत जगह में कोई मछली का प्राइस बहुत कम हो चुका है और उसमें कलर भी बहुत डिफरेंस हो रहा है, किसी किसी जगह में वाइट हो रहा है, किसी किसी जगह में अच्छे से ब्लैक कलर नहीं आ रहा है, तो ये आपका ब्लैक कलर बहुत अच्छे से आ जाएगा। आप पहले जो बायफ्लॉक टैंक में हैं वहाँ से उठा के एक फ्रेश वाटर में रखिए और उसमें पार 1000 लीटर में 1 ग्राम प्रोबो क्योर डाल दीजिए, और 7 to 8 आवर्स का बाद आप मछली को चेक कीजिए, उसमें मछली का कलर ब्लैक जैसा आ जाएगा और वो मार्केट में बहुत ही ईजी सेल हो जाएगा। थोड़ा सा वाइट रहने से सेल होने में प्रॉब्लम होता है। बायफ्लॉग में कलर ना आने का बहुत सारा कारण है, जैसे आपका उसमें सनलाइट नहीं आता है और उसमें फ्लॉक डेंसिटी ज़्यादा रहेगा तो उसमें कलर नहीं होता है, फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करने से आपको बहुत जल्दी कलर आ जाएगा। जिसका जिसका आपका पंगासियस का कल्चर है, आप देखिएगा आपका पंगासियस का जो कलर है बायफ्लॉग में उतना अच्छा नहीं है, बट सेल करने से पहले दिन आप उसको फ्रेश वाटर में डाल दीजिए और उसमें प्रोबो क्योर पर 1000 लीटर में 1 ग्राम डाल दीजिए, तो देखना सेकेंड डे मछली का बहुत अच्छा कलर आ जाएगा, बहुत अच्छा शाइनिंग हो जाएगा। और मछली सेल करने का मिनिमम 5-6 घंटा पहले अपने प्रोबो केयर डाल दीजिए, तो इसमें मछली का पेट का अंदर जो खाना है वो भी निकल जाएगा, बहुत अच्छे से मछली आपका मार्केट में जाएगा
जिंदा मछली भेजना है तो आपको ये सारा पॉइंट को नोट करना है। और एक बात, जो फ्रेश वाटर में आपको डालना है उसमें आपको रॉ सॉल्ट सेलेनाइजर नहीं ऐड करना है, क्योंकि जहाँ पे जाएगा वो फ्रेश वाटर ही एक्सचेंज करता रहेगा, इसीलिए आप पहले से उसको इसमें हैबिचुएट कर दीजिए तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग को लेके, सेमी बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग को लेके, ब्रीडिंग फार्म को लेके, ऑर्नामेंटल फिश फार्मिंग, केज, आरएस, कोई भी प्रॉब्लम्स है तो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसी नंबर पर संपर्क कर सकते हो, आपको पूरा कल्चर में सपोर्ट मिल जाएगा। और इसके लिए सिर्फ आपका नंबर रजिस्ट्रेशन करना है। 2 साल पहले भी हमारा कोई भी चार्जेस नहीं था गाइड करने के लिए, आज भी नहीं है, तो आप निश्चिंत होकर फ़ोन कर सकते हैं। और जिसका जिसका रेडी फिश सेल में प्रॉब्लम है तो रेडी फिश सेल डिपार्टमेंट में आप बात कर सकते हैं, वो नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, बहुत जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर।